हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, आज जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेके चलते हैं टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन राफ्ट फाउंडेशन एंड पाइल फाउंडेशन, ठीक है। तो मतलब ये है कि पाइल फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हमें कहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन करना चाहिए, कहाँ पे पाइल फाउंडेशन करना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम राफ्ट फाउंडेशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन। जो राफ्ट फाउंडेशन होता है वो शैलो फाउंडेशन का टाइप है, ठीक है। अगर आपका डेप्थ 1.5 मीटर तक है, ठीक है, 1.5 मीटर से कम है, तो वहाँ पर हम राफ्ट फाउंडेशन लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका, राफ्ट फाउंडेशन ट्रांसफर द लोड एट शैलो डेप्थ एंड एंड बियरिंग। यानी कि राफ्ट फाउंडेशन वहाँ बनाते हैं जहाँ पर उसका लोड ट्रांसफ़र जो होता है वो आपका 1.5 मीटर तक हो, ठीक है। 1.5 मीटर को ही इसका एंड बियरिंग कहते हैं, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन जो होता है फ्रेंड्स, ये मोस्टली यूज किया जाता है आपका जहाँ पे थोड़ा सा हाई राइज बिल्डिंग बनानी हो वहाँ पे, ठीक है। इसमें जो इसका डेप्थ होता है राफ्ट फाउंडेशन का, इसका डेप्थ होता है 1.5 मीटर, ठीक है। अब पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं। पाइल फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ डिप फाउंडेशन। डिप फाउंडेशन का मतलब होता है गहराई तक पूरा, ठीक है, जो कि 1.5 मीटर से ज़्यादा गहराई तक होती है, उसे हम पाइल फाउंडेशन, वहाँ पाइल फाउंडेशन करते हैं, ठीक, उसको हम डिप फाउंडेशन भी कहते हैं, ठीक है। आपका फिर है पाइल फाउंडेशन ट्रांसफ़र द लोड एट द डेप्थ ऑफ फ्रिक्शन और हार्ड स्ट्रेटा। देखिए, पाइल फाउंडेशन जो होता है ना फ्रेंड्स, जब हम पाइलिंग करते हैं तो आर्किटेक्ट जो होते हैं वो हमें एक दिए रहते हैं, एक डेप्थ दिए रहते हैं कि आपको इतने डेप्थ तक पाइलिंग करना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 18 मीटर, 20 मीटर। अभी मेरा गुजरात में एक प्रोजेक्ट चला था, कैंटीन का प्रोजेक्ट था, वहाँ मैंने 18 मीटर किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका होता है कि आपका फ्रिक्शन तक जो है, या जहाँ पर हार्ड स्ट्रेट आ जाता है वहाँ तक हमारा पाइल फाउंडेशन करते हैं, ठीक। अब यूज ऑफ राइट राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो राफ्ट फाउंडेशन का यूज कहाँ होता है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज होता है, कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यूज होता है, फिर मेट्रो सिटीज जैसे हैं आपकी दिल्ली है, मुंबई है, इन जगहों पर जो भी हमारी बिल्डिंग वर्क होती है वहाँ पर हमारा राफ्ट फाउंडेशन यूज होता है। अब यूजेज ऑफ पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन जो होता है मोस्टली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वर्क, ब्रिज हो गया। अब उसमें ब्रिज में आपका दो टाइप के ब्रिज आते हैं, माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, ठीक है। गल्फ कंट्रियों में भी मोस्टली पाइल फाउंडेशन यूज होता है। बुर्ज खलीफा में भी आपका पाइल फाउंडेशन ही यूज हुआ था, लेकिन अंतर यह है कि बुर्ज खलीफा में पाइल फाउंडेशन के साथ राफ्ट फाउंडेशन भी यूज हुआ, यानी नीचे हमने पाइलिंग की और पाइल कैप की जगह हमने पूरा राफ्ट फाउंडेशन किया था, ठीक है। और आपका पाइल फाउंडेशन और कहाँ पर यूज हो सकता है, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी, जहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी आपका 23 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होती है, यानी कि जहाँ की सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन बनाते हैं, पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब प्रोसेस ऑफ राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन के प्रोसेस क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्सकवेशन ऑफ बिल्ट अप एरिया, मतलब जितने दूरी में बिल्डिंग बनना है उसकी हम खुदाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद खुदाई कर लिया एक्सकवेटर मशीन से, फिर सॉइल की ड्रेसिंग करेंगे। सॉइल की ड्रेसिंग करने के बाद कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद पीसीसी, ठीक है, उस पूरे एरिया की पीसीसी करेंगे। पीसीसी करने के बाद स्टील प्रोवाइड करेंगे कॉलम के लिए, राफ्ट के लिए, रिटेनिंग वॉल के लिए, यानी कि जो भी आपका कॉलम वहाँ से होगा तो हमें वो राफ्ट में ही उस कॉलम के स्टील को प्रोवाइड करना है, ठीक है, रिटेनिंग वॉल के लिए भी। और हमें रिटेनिंग वॉल के लिए भी कॉलम स्टील प्रोवाइड कर दिए, कॉलम के लिए भी प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। राफ्ट का तो कर ही रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी करने के बाद हम शटरिंग करते हैं, शटरिंग कर दिए आपका। शटरिंग करने के बाद उसकी
आरसीसी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब टाइप्स ऑफ पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन कितने टाइप्स हैं अगर देखा जाए तो एज पर मटेरियल, मतलब कि जैसे मटेरियल के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी फाउंडेशन करते हैं तो आपका स्टील पाइल्स है, टिम्बर पाइल्स है एंड कंक्रीट पाइल्स है। ठीक है, और अगर आज अगर उनको देखा जाए एज पर वर्किंग मेथड, तो एज पर वर्किंग मेथड में आपका होता है एंड बियरिंग पाइल्स जो कि हार्ड स्ट्रेटा तक जाता है, फ्रिक्शन पाइल्स। ठीक है, और अगर कंक्रीटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कास्ट एंड सेतु होता है और प्रीकास्ट होता है। प्रीकास्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि पहले से कास्टिंग किया हुआ मटेरियल जो होता है, कास्टिंग किया हुआ पाइल होगा उसको लाकर वहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब प्रोसेस ऑफ पाइल फाउंडेशन फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें प्रोसेस क्या क्या होता है। प्रोसेस ये होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले हम जहाँ पर हमें पाइलिंग करना है, ठीक है, सबसे पहले उसका लेआउट करते हैं। ठीक है, लेआउट करने के बाद क्या करेंगे कि हम बोरिंग मशीन लाएंगे, ठीक है, उसको हम लोग मैट मशीन भी बोलते हैं। ठीक, उसको लाएंगे, आपका कितने डाला का पाइल है, जैसे कि अभी जो हम कराए थे वहाँ पे गुजरात में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था पेट्रोनेट एलएनजी में, तो वहाँ पे मेरा जो पाइलिंग का डाया था वो 450 mm था, यानी 18 इंच था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हम 20 इंच का इस्तेमाल किए थे बोरिंग वाली मशीन का जो आपका पाइलिंग करने वाला होता है। ठीक है, उसके बाद से हम गेज जो होता है गेज बनाते हैं, प्रोवाइड स्टील ग्रेज इन बोर्ड पाइल्स, उसके बाद से हम गेज को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किसमें गेज जो होता है वो क्रेन की मदद से स्टील का जो रेनफोर्समेंट वर्क होता है आपका, ये सर्कुलर या सिलेंडिकर होता है। ठीक है, सर्कुलर होगा तो इसको हम क्या करेंगे कि अंदर की तरफ डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद से इसकी आरसीसी कर देंगे। ठीक है, अब पाइल फाउंडेशन होता क्या है, यूजेज ऑफ राउट। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपका राफ्ट फाउंडेशन में क्या होता है कि राफ्ट फाउंडेशन में हम स्टील को जो है स्टील यार्ड से काट के ले आते हैं और एट द साइड जहाँ पे हमें राफ्ट फाउंडेशन बनानी है वहाँ पे हम फिक्स करते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं। बट पाइल फाउंडेशन में थोड़ा सा अलग है, पाइल फाउंडेशन में क्या है हमें स्टील यार्ड में ही वो गेज तैयार करना पड़ता है, उसके बाद उसको क्रेन की मदद से लाते हैं और आपका जो हम बोर्ड किए रहते हैं मैट मशीन से या बोरिंग मशीन से जो हम उसमें होल बनाए रहते हैं डेप्थ तक, उस डेप्थ तक हम ले जाते हैं। ठीक है, आपका जो पाइल फाउंडेशन होता है उसका क्लियर कवर जो होता है वो 75 mm लेते हैं। ठीक है, आपका जो पाइल फाउंडेशन होता है वो सिलेंड्रिकल या आपका सर्कुलर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर राफ्ट फाउंडेशन है तो वो आपका रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा और भी जानकारी ये है कि आपका कभी भी पाइल फाउंडेशन जो होता है वो वहीं पे करते हैं जहाँ पे हमारे ज़रूरत होता है कि वहाँ पर 23 kN से कम आपका बेयरिंग सॉइल कैपेसिटी आती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।